रस के भरे तोरे नैना डूबा जाए मोरा जिया भीजे जाऊ मैं सावरिया सावरिया बरसन लागी रे बदरिया रंग गुलाबी है चुनरिया थम जा अब तो बैरन रतिया गहरा है ये प्रेम का दरिया जो उभरा वो डूब गया है जो डूबा उसकी पार नैया ये रात फिर ना आएगी ये बादल फिर भी आएंगे गरज लगन लागी
बलम के से कोसे लगी रे कैसे तुम्हें बताऊं ओ सनम के तुमसे प्यार है कैसे तुम्हें समझाऊं ओ सनम तुम्हारा इंतजार लगन शगना दिशा अखियां विच लेके माही तेरा ही नाम मैं ते तुर जाना तेरे नाल वे तारे मेहमान चन्ना वे तेरी खाते सारा जहां छड़ के मैं जाना तेरे जाना तेरे ना माहिया मैं ते जाना तेरे ना ढोलना मैं ते जाना तेरे ना लेकर बैठे हो उसी प्रकार तीर्थ यात्रा उद्यापन यज्ञदान यानी पूजा पाठ अनुष्ठान कहीं भी कैसे भी यानी इसी प्रकार साथ में लेकर के बैठे हो तो मैं आपके बाम अंग में आना स्वीकार करूंगी ठीक है। इसके बाद में जो है दूसरा वचन है अप्य प्रदान मरा पित्र कप्य प्रदान यदि पूजये था यानी दूसरा वचन है हे कांत यदि हवि प्रदान से देवताओं की तथा श्राद्ध आदि कर्मों से पितरों की पूजा करते रहो तो मैं आपके बाम अंग में
आना स्वीकार करती हूँ। देखिए यहाँ देवताओं के लिए, आपको पितरों के लिए इन्हीं के द्वारा कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि तीन फेरे में लड़की आगे रहती है। कौन से? अर्थ। अर्थ यानी क्या होता है? पैसा। धर्म है ना, दूसरा क्या हुआ? धर्म यानी धर्म से सबसे ज्यादा जोड़ने का श्रेय किसको जाता है? पत्नी को ही जाता है ना, इसलिए यानी धर्म से धर्म में लगे रहते हैं। काम दूसरा रहता है, काम चौथा मोक्ष जो है पति परमेश्वर होता है, इसलिए वो आगे हो जाता है। इसलिए चार फेरे होते हैं, तीन फेरे लोक रीति से कहते हैं, इसलिए तीन फेरे वो होते हैं। तो अब तीसरा वचन क्या है? कुटुंब रक्षा भरणे यदि तम कुर्या पशूनां परिपालनम चा वामांगमायामि तदा तदीयम् ब्रवीति कन्या वचनम तृतीयम्। तीसरा वचन है, कहती है कन्या, हे कांत, आज से कुटुंब की रक्षा का, उसके भरण पोषण का कार्य तथा पशुपालन आदि का कार्य भी संभालना पड़ेगा। यदि मेरी संपत्ति से यह सब करना आप स्वीकार करो तो मैं आपके वाम अंग में आना स्वीकार करूँगा। यानी आप, आपका एक परिवार हो गया है ना, अब परिवार का भरण पोषण, खाने पीने की व्यवस्था, वस्त्रादि की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, गाड़ी घोड़ा की व्यवस्था, यानी सब आपको क्या करना पड़ेगा? संभालना पड़ेगा। ठीक है, अभी तो जैसा भी था, जितना आए उतना खर्च कर डालना है ना, लेकिन अब व्यवस्थित खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, तीसरा, चौथा, आप्याय धान्या धनादिकानां पुष्टा युवासुई गृहे विदध्या वामांगमायामि तदा तदीयम् ब्रवीति कन्या वचनम चतुर्थम। यानी चतुर्थ वचन क्या है? कहती है कि हे कांत, धन तथा धन की आमदनी और खर्च मुझसे सलाह लेकर आप यदि सारा गृह कार्य संपादन करने की प्रतिज्ञा करें तो मैं आपके वाम अंग में आना स्वीकार करती हूँ, है ना। यानी आय और व्यय दोनों बताना पड़ेगा, है ना। क्यों क्यों बताना पड़ेगा? है पता, इसलिए बताना पड़ेगा क्योंकि आय यदि नहीं बताएंगे तो पता नहीं खर्च कितना। आजकल तो ऑनलाइन हो गया, अमेज़न में पता नहीं कहाँ कहाँ ऑर्डर मार देंगे, तो इसलिए आय बताएंगे तो उस हिसाब से वो खर्चा करेंगे, है ना। 15,000 यदि आए, 20,000, 50,000 आए हैं तो 40,000 खर्च करेंगे, 10,000 बचा के रखेंगे। आप जब आए ही ना बताएंगे तो पता चला वो 1,00,000 खर्च कर दिए, कहीं दिखा भी दिए कोई दुकान में जाके, इसलिए खर्च बताएंगे आप, है ना। तो आय और व्यय, अब व्यय भी कहीं जा रहा है तो व्यय भी बताना है कि हमने कहाँ खर्च कर दिया। ठीक है, इसलिए ऐसे गृह कार्य का संपादन करना है ना। तो ये जो है चौथा वचन था। पांचवा वचन है, देवालय मातूपा पापी विद्या परमार्थ सिद्धई। यानी ये पांचवा वचन है कि यानी कहीं भी धर्म कार्य, कहीं यज्ञ हो रहा है, कहीं अनुष्ठान हो रहा है, कहीं मंदिर बन रही है, कहीं गौशाला चल रहा है, यानी कहीं भी यदि हमारे हिंदू धर्म से कहीं कुछ हो रहा है तो वहाँ हमको कुछ न कुछ अंश वहाँ क्या करना है, लगाना है। जो भी हो, ऐसा कुछ नहीं है, उसमें तो प्रमाण नहीं है कि कितना है, लेकिन कहीं भी यदि ऐसा कुछ हो रहा है तो वहाँ अपने को कुछ ले जा करके देना है। ये पांचवा वचन है। छठवा वचन है, देशांतरे वा सपुरांतरे वा प्रष्टा विद्वद्धा व्यहो कार्य कार्यम वामांग मायामि तदा तदीयम् प्रवीति कन्या वचनम चखष्टम। यानी ये छठवा वचन है, कहती है कि हे कांत, देशांतर जाना हो, देशांतर यानी अपने देश को छोड़कर दूसरे देश जाना हो, या कहीं दूसरे प्रदेश जाना हो, दूसरे जिला जाना हो, यानी कहीं भी बाहर जाना हो तो एक तो पहले बता के जाना है, और यदि साथ में चलने के लिए तैयार है तो साथ में ले जाना भी है। घर से भी निकलना है तो ठीक है, यानी जो है उनके बिना पर आज तो बताना पड़ेगा। यदि नहीं बता के जाएंगे तो ठीक है। ये जो है छठवां वचन है। सातवां वचन कहती है कि हे कांत, यानी आपसे जो छोटी हैं वो क्या है? 12 साल से कम उम्र की हैं, जो कन्या है, देवी के स्वरूप होती हैं, और 12 साल से जो ऊपर की हैं वो क्या है? बहन के समान है, और जो आपसे उम्र में ज़्यादा हैं वो माँ के समान है। पत्नी तैन तुभ्यम संप्रदे, यानी पत्नी रूप में आपको कन्यादान करके गए हैं, पत्नी रूप में केवल सबसे छोटी हैं,
कन्या है, बरोबर की हैं, बहन है, सबसे बड़ी है वो माँ के तुल्य है, ठीक है। यानी पत्नी शुरू में केवल ये सात मत, ठीक है, ऐसे सात वचन हैं। बड़ी लंबी सांस ली है, याद रखना पड़ेगा। से सात वचन हैं गृहस्थ जीवन को चलाने के लिए, जो है यदि सात वचन याद रहें तो कभी वो पर्दा जो हमने लगाया था वो लगाने की आवश्यकता न पड़ेगी, ठीक है। याद रखना पड़ेगा, लेकिन सात वचन तो आपके गिनने में तो सात हो गए, लेकिन इनके पास केवल एक ही वचन है, लेकिन वो सात से भी बड़ा है, ठीक है। तो ये हम जो है ये आपके लिए प्रणाम मदाय चित्तानुगता च पूया पतिव्रत धर्म परायणा च गृहस्य कार्यम सकलम कुरुस्व। इनका केवल एक वचन है, लेकिन एक वचन वो सात वचन से भी भारी है, क्योंकि वो ये बोल रहे हैं कि मेरे मन के अनुसार चलना है। मेरे किसके अनुसार चलना है? मेरे मन के अनुसार चलना है। अब जब उनके मन के अनुसार चलना है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो बोले, यानी आपको समझना है कि इनका मन क्या कहना चाहता है, यानी समझ लेना है, इसलिए उनका जब समझ लें तो उसी प्रकार चलना है। ये जो बोले ऐसा जरूरी नहीं कि ये जो बोल रहे हैं अब वो हम करें, यानी हम पहले ही समझ जाएं कि इनका मन क्या है, ठीक है। तो ये है गुणा मदा चित्ता नुगतांच भूया, यानी इनके माता पिता, आप जैसे आपके माता पिता थे उस प्रकार आज से इनके माता पिता के समान हो गए हैं, और भी इनके जो भी रिलेशन से जुड़े हुए लोग हैं, जैसे आपके हम मौसम होती रहे होंगे, चाचाई चाची रही होंगी, ठीक है, ताऊ जी ताई जी रहे होंगे, उस प्रकार इनसे भी रिलेशन से जितने जुड़े हुए हैं उनका सबका आदर सम्मान ये सब करना है। इसी वचन में एक और है कि कहीं एकांत में, यानी बगीचा हो या कहीं मधुशाला हो, यानी ऐसे जगह में अकेले तो जाना ही नहीं है, और पति स्वरूप में केवल ये हैं, जैसे आप पत्नी मान लिए हैं वो, उसी प्रकार पति में पति जो है ये हैं। और गृहस्य कार्य सकलम कुरुस्व, यानी गृहस्थ के जो कार्य हैं वो आपको संभालना पड़ेगा, यानी कभी हो जाता है ना पचा कर नहीं आते हैं, बर्तन पड़े हैं इस टाइम के उस टाइम के दूसरे दिन के भी, ऐसा नहीं, ठीक है, वो तो अपनी व्यवस्था है, यदि नहीं आते हैं हमारे तो ऐसे छोड़ना नहीं है, यानी उसको भी अपने को करना है, ठीक है। तो ये जो है इनका एक वचन है आपके साथ वचन, यदि एक दूसरे को स्वीकार हैं तो फिर आप जो है इनके वाम अंग में आना है, ठीक है, ठीक ही रहेगा। आप पैर उठा, हाँ सरकाते जाइए, एक मिश्र विष्णुनाय तो दो ऊर्जे विष्णुनाय तो त्रीन राज स्पोषाय चत्वारि मयो भुवाय पंचवसुभ्यो कृष्णाय तो खड्गभीतेभ्यो कृष्णाय तो ओम सत सत पदार्थां साम नमस्तु प्रतापा विष्णुनाय तो हो गए कुछ था। सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम सुंदरम कामदम चयो सिंदूरम कृतम मां देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि परम सुखम रूपम देहि जयम देहि यतो देहि सुतो जयहि। थोड़ा ले लेके आए थे 70 के तो पहले थे। बड़ा तारा रहता है जो अटल, जैसे सूर्य भगवान एक निर्धारित समय सुबह उठते हैं शाम को उठ जाते हैं, उसी प्रकार ध्रुव तारा भी वो अपने समय में आकाश में उसी जगह दिखते हैं। तो
यानी आपका दाम्पत्य जीवन उसी यानी तारे जैसे अटल रहे, है ना। तो उस तारे के नाम से आपसे हम प्रार्थना करते हैं। बस बस हो गए वो ले जाइए। नानी माँ और दादी माँ, ये नानी माँ की ये मम्मी की भाभी वही तो मैं बोली, ये आप उल्टा कर रहे हैं, मुझे फल में नहीं, उल्टा कर रहे हो आप। आप ही का है, किसको भी आपके तो साथ ले जाना है, हमारे घर नहीं जाएगा ना अभी। अरे जल्दी बताओ, मार्केट की तरह रेट गिर जाएगा नहीं तो। रज्जु बोल रहा हूँ, क्या बोले। हाँ प्लीज, कितने कितने साली हैं, पाँच पाँच एक को तो आने चाहिए। अच्छा पाँच पाँच एक को, फिर पहले ओरिजिनल जूती लेके पहले लाओ तो सही। अरे भैया अभी बोला क्या गया, शहनशाह की तरह जूते लाए नहीं गए ना। बात क्या हुई पॉइंट, आज का जमाना ही वैसा चाचा जी, चेंजा बनोगे तो लूट जाओगे, डर की रहना पड़ता। आपका चोरी हो गया, सेल हो जाएंगे वो, टेंशन मत लो, इनसे ले लो। ये कह रहा है मुझे जितना मोनी को चढ़ाया उतना मुझे चढ़ा दो। अरे को दम तो दे दे तो मेरे कपिल भैया। अभी अपन अपने रूम में चलेंगे, लेके आ रहे हो आप, दे रहे हैं ना हमारे दो पहले दो देखो चुराए आपने, जूते पहले आप लो, पहले ये जूती के बदले इनके जूते, हमारे जूते दो, ये ले लो, ब्राउन दोनों ब्राउन है, जूती चाहिए तो ले लो, मेरा बैठ रहा हूँ हमारे दो, आप एक हाथ में दूंगा एक दोनों में दो, उसके बाद में मिल जाएंगे, आप अभी नहीं मान रहे हो। आप जूतों का करेंगे क्या, रखो आप कुछ पंद्रह पैसे लेते हैं नहीं है।
जाते नहीं उतारोगे वो आप ऐसी बात नहीं है एक्स्ट्रा लेके जाते हो आज नहीं लाए एक्स्ट्रा क्या रूम में देखता है वो रखे